हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। देश में लगातार चौथे दिन 2 लाख से ज्यादा कोरोना के केस। 24 घंटे में देश भर में 2,61,000 से ज्यादा पॉजिटिव मामले सामने आए। कोरोना ने देश में 24 घंटे के अंदर 1,501 मरीजों की ली जान। देश में एक्टिव केसेस की संख्या 18 लाख के पार। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कोरोना टीकाकरण को बढ़ाने का दिया सुझाव। मनमोहन सिंह ने कहा, केंद्र सरकार राज्यों को बताए कि अगले 6 महीने कोरोना टीके का वितरण कैसे होगा। सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कोरोना वैक्सीन के 5.4 करोड़ डोज की मांग की। ममता बनर्जी ने ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन को भी जल्द से जल्द उपलब्ध कराने की मांग की, टॉन्सिलिज्म में दवाई भी मांगी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखा खत, दिल्ली के अस्पतालों में केंद्र के 10,000 बेड में 7,000 बेड कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व करने की मांग की। केजरीवाल ने खत में कहा, दिल्ली में कोरोना की हालत बेहद गंभीर, ऑक्सीजन की भारी कमी। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में 100 से भी कम आईसीयू बेड बचे हैं। गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से बात की। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में अगले 2-3 दिन में 6,000 ऑक्सीजन वाले बेड होंगे तैयार। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में पिछले 24 घंटे में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 30%। दिल्ली सरकार ने रेलवे को लिखा खत, दिल्ली के आनंद विहार और शकुर बस्ती रेलवे स्टेशन पर कोविड केयर कोच तैयार करने की मांग की। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन को लिखे खत में दिल्ली के मुख्य सचिव ने कहा, दोनों स्टेशनों पर 5,000 बेड का इंतजाम करे रेलवे। पीएम मोदी ने वाराणसी में कोरोना के हालात पर की समीक्षा बैठक, प्रशासन से पूरी संवेदनशीलता से लोगों की मदद करने को कहा। पीएम मोदी ने ट्रैकिंग, ट्रेसिंग और टेस्टिंग पर दिया जोर, कहा पहली लहर की तरह इस बार भी यही रणनीति अपनानी है। सीएम योगी ने टीम 11 के साथ की समीक्षा बैठक, कहा यूपी में लगेंगे 10 नए ऑक्सीजन प्लांट। बिहार के सीएम नीतीश ने भी सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बैठक। देश में पिछले 24 घंटे में लोगों को लगी 26,84,000 वैक्सीन, वैक्सीनेशन का आंकड़ा 12.25 करोड़ के पार। सरकार ने 27 से 30 अप्रैल तक इंजीनियरिंग की परीक्षा जेईई मेंस को स्थगित किया। कोरोना के बावजूद एनडीए की परीक्षा हो रही है, चंडीगढ़ में पूरे प्रोटोकॉल का पालन कर छात्रों को दी गई एंट्री। लखनऊ में एनडीए एग्जाम देने आए छात्रों को नहीं मिले कोई वाहन, पैदल चलकर परीक्षा देने पहुंचे। मध्य प्रदेश के शहडोल में ऑक्सीजन की कमी से 10 मरीजों की मौत, देर रात तोड़ा दम। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने ऑक्सीजन की कमी से मौत से किया इनकार। शहडोल मेडिकल कॉलेज के डीन का बयान मंत्री से अलग, डीन ने ऑक्सीजन का प्रेशर कम होने की बात मानी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के अस्पताल के आईसीयू में आग से 4 कोरोना मरीजों की मौत, जांच के आदेश। पुलिस के मुताबिक एक फैन में शॉर्ट सर्किट के कारण अस्पताल में फैली आग, अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ दर्ज होगा लापरवाही का केस। एमपी को 60 टन ऑक्सीजन मिला, रिलायंस ने मुहैया कराया। इंदौर के सांसद और विधायक ने ऑक्सीजन से लेकर पहुंचे टैंकर की पूजा की, अलग अलग अस्पतालों में हुई ऑक्सीजन की सप्लाई। मुंबई में रेमडेसिविर इंजेक्शन को मिडनाइट ड्रामा, पुलिस ने रेमडेसिविर के सप्लायर को हिरासत में लिया, थाने में पहुंचे पूर्व सीएम फडणवीस। फडणवीस ने पुलिस पर दमन की, ब्रुकफार्मा के सप्लायर को परेशान करने का लगाया आरोप। मुंबई कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने फडणवीस पर पुलिस पर दबाव बनाने का आरोप भी लगाया, पूछा कंपनी ने रेमडेसिविर के बड़े स्टॉक की पुलिस को क्यों नहीं दी जानकारी। मुंबई पुलिस के डीसीपी के मुताबिक निर्यात पर बैन लगने के बाद सप्लायर के पास था रेमडेसिविर के 60,000 वायल का स्टॉक। भोपाल के सरकारी हमीदिया अस्पताल से 800 डोज से ज्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरी, जांच जारी। सूरत में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी, क्राइम ब्रांच ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के पुणे में रेमडेसिविर इंजेक्शन में मिलावट का मामला सामने आया, 4 लोग गिरफ्तार। देश में रेमडेसिविर बनाने वाली 7 कंपनियों ने औसतन 39% घटाए दाम। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, आज से देश में रेमडेसिविर के 1.5 लाख वायल के रोजाना उत्पादन किए जाएंगे, अगले 15 दिन में रोजाना 3 लाख वायल बनेंगे। कोरोना ऐप पर बेड की गलत जानकारी देने पर दिल्ली के 2 प्राइवेट बड़े अस्पतालों पर केस दर्ज। दिल्ली सरकार ने 4 एयरलाइंस के खिलाफ केस दर्ज किया, महाराष्ट्र से आए यात्रियों का नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट चेक न करने का आरोप। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीएन पटेल भी हुए कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली में हरिद्वार कुंभ से लौटे हर शख्स को 14 दिन रहना होगा होम क्वारंटीन। कुंभ के श्रद्धालुओं को लेकर मुंबई के मेयर का बड़ा बयान, कुंभ से आने वाले सभी लोगों को किया जाएगा क्वारंटीन। राजधानी दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का आज 2रा दिन, कन्नौट प्लेस में पसरा सन्नाटा, सड़कें सूनी। दिल्ली में NH-24 पर पुलिस मुस्तैद, गाड़ियों को रोककर कागजात की चेकिंग करते नजर आए। वीकेंड कर्फ्यू पर लखनऊ में बड़े पैमाने पर सैनिटाइजेशन अभियान, नगर निगम की 120 गाड़ियों से चलाई गई मुहिम। लखनऊ के प्रमुख चौराहों से हुई सैनिटाइजेशन की शुरुआत, सभी संवेदनशील जगहों और कंटेनमेंट जोन को किया गया कवर। लॉकडाउन के दौरान नोएडा में पुलिस सख्त, सड़कों पर गुजरने वाली गाड़ियों के कागजात की चेकिंग। लॉकडाउन के दौरान वाराणसी के घाट भी सूने नजर आए, सड़कों पर बेहद कम गाड़ियां दिखी।
महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन मुहिम के तहत बंदिशें जारी। मुंबई में मरीन ड्राइव पर गाड़ियों की चेकिंग करते नजर आए पुलिस के जवान। अहमदनगर में आज से 14 दिनों का जनता कर्फ्यू लागू, केवल जरूरी सेवाओं पर छूट। चंडीगढ़ में भी वीकेंड कर्फ्यू के दौरान बाजार बंद, सड़कों पर चहल पहल गायब। भोपाल में कोरोना कर्फ्यू को 26 अप्रैल तक बढ़ाया गया, 19 अप्रैल को खत्म होनी थी पाबंदियां। राजस्थान की राजधानी जयपुर के बाजारों में वीकेंड कर्फ्यू के वजह से पसरा सन्नाटा। उत्तराखंड में भी एक दिन के कोरोना कर्फ्यू का असर, देहरादून में बाजार पूरी तरह बंद। गुजरात के राजकोट में दिखा हैरान करने वाला नजारा, सिविल अस्पताल के बाहर दिखी कोरोना मरीजों को लेकर आई एम्बुलेंस की लंबी कतार। गुजरात में पहली बार कोरोना संक्रमितों की संख्या 9000 के पार, एक दिन में 97 की मौत। महाराष्ट्र में हर नए दिन के साथ बेकाबू हो रहा है कोरोना, एक दिन में 67,123 लोग संक्रमित, 419 लोगों की मौत। मुंबई में एक दिन में 8,834 संक्रमित, 52 लोगों की मौत। नागपुर में बीते 24 घंटे में कोरोना से 6,956 लोग संक्रमित, अब तक कोरोना के कुल 3,15,000 से ज्यादा मामले। मुंबई में आवश्यक सेवा से जुड़ी गाड़ियों पर लाल, हरे और पीले रंग के स्टिकर लगना शुरू। मेडिकल सेवाओं से जुड़े वाहनों के लिए लाल, जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों की कार पर पीले रंग का स्टिकर, सब्जी वाहनों पर हरे रंग का स्टिकर। पुणे में एक शख्स ने कोरोना वायरस जैसा ड्रेस पहनकर लोगों को किया महामारी के खतरे से आगाह। उत्तर प्रदेश में आए रिकॉर्ड 30,000 से ज्यादा मामले, एक्टिव मरीजों की संख्या 91,000 के पार। कोरोना के कारण मथुरा का द्वारकाधीश मंदिर एक हफ्ते के लिए बंद। कोरोना मरीजों की मदद के लिए आगे आया नोएडा सेक्टर 18 का गुरुद्वारा, होम क्वारंटीन मरीजों को खाना भेजने में जुटा। राजस्थान में बीते 24 घंटे में कोरोना से 10,514 लोग संक्रमित, 42 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक के लिए कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। पटना के एनएमसीएच अस्पताल के चीफ ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होने से बेबस रिटायरमेंट की पेशकश की। बिहार में 24 घंटे में 7,870 लोग कोरोना संक्रमित, पटना में सबसे ज्यादा 1,898 नए मामले। एमपी में बीते 24 घंटे में 11,269 लोग संक्रमित, 66 लोगों की मौत। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार जारी, 2,757 नए मामले, हरिद्वार में 1,179 लोग पॉजिटिव। पंजाब में एक दिन में 5,000 लोग बीमार, 64 की मौत। कर्नाटक में 17,489 नए मरीज सामने आए, 24 घंटे में 80 लोगों की मौत। केरल में कोरोना के 13,835 नए मरीज मिले, 27 लोगों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 9,344 नए मामले, एक दिन में 39 मरीजों ने तोड़ा दम। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और पत्नी आशा हुड्डा भी कोविड पॉजिटिव। बॉलीवुड पर भी कोरोना का कहर जारी, अर्जुन रामपाल भी आए चपेट में। नील नितिन मुकेश का पूरा परिवार कोरोना की चपेट में आया। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 14,14,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 30,00,000 से ज्यादा लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो, कोरोना संकट के बावजूद उमड़ा जनसैलाब। शाह ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा इतनी जोर से बटन दबाओ कि दीदी को कोलकाता में लगे करंट। रोड शो के पहले अमित शाह की पूर्वी बर्धमान के पूर्वास्थली में रैली, कहा 5 चरण के बाद ममता डिमोरलाइज। अमित शाह ने कहा बंगाल को घुसपैठ से केवल बीजेपी बचा सकती है, 2 मई के बाद परिंदे भी पर नहीं मार पाएंगे। अमित शाह ने रैली में कहा टीएमसी ने चालू किया बम, बंदूक बारूद का मॉडल। कोरोना की वजह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बंगाल में अपनी सभी चुनावी रैलियां रद्द की। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल की पीएम मोदी से मांग, कोरोना को राष्ट्रीय हेल्थ इमरजेंसी घोषित करे सरकार। चुनाव आयोग ने बीजेपी नेता शायंतनु बसु पर 24 घंटे तक चुनाव प्रचार करने पर लगाया रोक, भड़काऊ बयान का मामला। भवानीपुर के टीएमसी उम्मीदवार शोभनदेव चट्टोपाध्याय भी नहीं करेंगे कोई बड़ी रैली। बंगाल में चुनावी हिंसा जारी, एनायतापुर मंडलापारा में घर से बीजेपी कार्यकर्ता का शव बरामद। बर्धमान में टीएमसी कार्यकर्ता पर हमला, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। एनआईए ने नक्सली नेता हिडमा पर 7,00,000 रुपए के इनाम का किया ऐलान, 22 जवानों की शहादत का है मास्टरमाइंड। सामने आई बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर, 28 जून से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। बंगाल के मुर्शिदाबाद में जिंदा बम बरामद, बम को किया गया डिफ्यूज। महाराष्ट्र के रत्नागिरी की एक कंपनी में ब्लास्ट के बाद लगी आग, 4 लोग जख्मी। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के पति प्रिंस फिलिप का अंतिम संस्कार किया गया। प्रिंस फिलिप के सम्मान में लंदन के पास विंडसर कैसल में चर्च में हुई सर्विस, केवल 30 लोग रहे मौजूद। प्रिंस फिलिप के सम्मान में पूरे ब्रिटेन में रखा गया 1 मिनट का मौन। दक्षिण कोरिया दौरे पर पहुंचे अमेरिका के विशेष पर्यावरण दूत जॉन केरी। आईपीएल के रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने हैदराबाद को 13 रनों से हराया, मुंबई इंडियंस की लगातार दूसरी जीत। आईपीएल में हिटमैन रोहित शर्मा बने भारत के सिक्सर किंग, तोड़ा एमएस धोनी का रिकॉर्ड, 217 छक्के जड़कर बनाया रिकॉर्ड। हाय, आई एम सुरभि शर्मा, खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।